रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर में टॉपिक बचा हुआ था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? क्यूआर रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर, जैसे वो सारा रेशनल नंबर ए बाय बी इंटू टू, ए बाय बी इंटू थ्री, सिमिलरली ए बाय बी इंटू के, ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट पर होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो ऐसा रेशनल नंबर जिसका अगर कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया जाए तो सेम रेशनल नंबर आएगा। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे तो ए बाय बी, इसमें भी कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल करेंगे तो ए बाय बी आएगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल करेंगे तो ए बाय बी। यानी वो सारा रेशनल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बाय बी के फॉर्मेट पर आ जाए क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे 2 बाय ए, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा 2 बाय 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 बाय 6। उसी तरह 2 बाय 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, सेम तरह के नंबर से ऊपर नीचे, तो 6 बाय 9। उसी तरह 2 बाय 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 बाय 12। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वैसा रेशनल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कैंसिल करने पर सेम तरह का रेशनल नंबर आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करें सबको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म का बात है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सारा रेशनल नंबर सेम आए, ठीक है। उसके बीच में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो सारे का वैल्यू सेम आएगा, तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन देगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको दे दिया 4 बाय 7, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो 4 बाय 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 8 बाय 14। उसी तरह 4 बाय 7 मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए ऊपर नीचे, ये तो हो गया 12 बाय 21। 4 बाय 7 मल्टीप्लाई 4, 16 बाय 28। तो इस तरीके से हम बहुत सारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में जितना निकालने के लिए कहेगा उतना हम लोग निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से रेशनल नंबर हम लोग फाइंड के इज एनी नंबर, तो 4k/7k। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ हो 2 बाय 3 4 बाय 7 5 बाय 9, आप कहेगा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो उसका क्या करेंगे? सबसे पहले नियम है कि 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम किसी से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 बाय 3, इसमें 3 तो 7 मल्टीप्लाई 9, ऊपर भी 7 इंटू 9, तो वैल्यू आ जाएगा 126 बाय
थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन। अब आइए फोर बाई सेवन, इसमें देखिए सेवन कॉमन तो नाइन इंटू थ्री, तो नाइन इंटू थ्री यानी ट्वेंटी सेवन से ऊपर भी और ट्वेंटी सेवन से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, फोर टू जा एट और टू टेन, वन हंड्रेड एट बाई फोर सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, फोर फोर्टी एट वन एट नाइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन, इसी फॉर्मेट पर आने दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है फाइव बाई नाइन, फाइव बाई नाइन, तो अब यहाँ थ्री इंटू सेवन और ऊपर में भी थ्री इंटू सेवन, तो ये हो जाएगा पंद्रह वन हंड्रेड फाइव बाई नाइन इंटू थ्री इंटू सेवन। अब देखिए सारे के डिनोमिनेटर सेवन, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वो बड़ा, तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वन ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन, उसके बाद आएगा वन हंड्रेड एट बाय थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन, फिर आएगा वन हंड्रेड फाइव बाय थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन, तो ये वन ट्वेंटी सिक्स कौन था टू बाई थ्री, तो ये देखिए टू बाई थ्री सबसे बड़ा होगा, टू बाई थ्री क्या होगा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद वन हंड्रेड एट यानी फोर बाई सेवन, उसके बाद फोर बाई सेवन के बाद फाइव बाई नाइन, तो बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इस टर्म को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा इसी चीज को फाइव बाई नाइन फोर बाई सेवन टू बाई थ्री इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व, उसके बाद ट्वेंटी फोर बाई
12, 24 by 12, उसके बाद 21 by 12, 21 by 12, 36, 24, 21 हो गया, 10 और 8 में, तो 10 by 12, उसके बाद 8 by 12, तो ये बड़ा होगा, बड़ा क्या होगा, जब denominator सेम हो, तो numerator में जो बड़ा होता है, तो बड़ा होता है, तो numerator में बड़ा सबसे बड़ा ये है, इसलिए ये सबसे बड़ा, तो हम लोग किस order में लिखे हैं, तो बड़ा से छोटा की तरफ लिखे हैं, तो बड़ा से छोटा descending order हो गया। अब इसमें लिख देते हैं कौन सा नंबर था मेरा रेशनल नंबर, यहाँ 36/12 यानी 6/2 था, 6/2 था, उसके बाद आइए 24 वाला नंबर 4/2 था, 4/2 था, उसके बाद आइए 21 कौन सा नंबर था 7/4। अब आइए 7/4 हो गया, अब आइए आप 10/12 में कन्वर्ट हुआ 5/6 और लास्ट में बच गया हमारा 2/3। तो ये बड़ा से छोटा की तरफ है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, एसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इस उल्टा लिख देंगे तो हमारा एसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, जैसे ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2/3, 5/6, 7/4, 4/2, 6/, इस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। तो इस तरीके से हम लोग का रेशनल नंबर फिनिश हो गया, रेशनल नंबर का मई तक जो भी हमारा सिलेबस था वह फिनिश हो चुका है, और पीडीएफ में हम लोग रेशनल नंबर का जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा हुआ है सारे क्वेश्चन को करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे।